तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्लब पर। सो गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि नया इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो आप लोग 2024 में, भी अभी के टाइम में, क्योंकि अभी के टाइम में 2024 में यानी कि कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ चुका है। तो मैं आपको बिल्कुल नया तरीका से बताने वाला हूं कैसे आप लोग नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का पूरा फुल प्रोसेस बताया, इसलिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आप लोग को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया कैसे आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। साथ ही साथ आप लोग मोबाइल नंबर कैसे ऐड कर सकते हो एंड आप लोग को यूजर अकाउंट जो होता है वो कैसे आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, ये जो वीडियो है पूरा डिटेल्स में होने वाला इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने को लेकर के, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। सो गाइस, वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस, नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे गया एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम। इसी प्रकार से आप लोग को सर्च करना है इंस्टाग्राम, ठीक ना, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाता है इंस्टाग्राम, इसको आप लोग इजिली इंस्टॉल कर लेना, ठीक ना। मेरे में फिलहाल इंस्टॉल इसलिए ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोग को कैसे नया अकाउंट बनाना है। तो सिंपली आप लोग को इंस्टॉल करने के बाद इंस्टाग्राम को ओपन करना है। गाइस, जैसे ही ओपन करते हो तो स्टार्टिंग में आप लोग को दो इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, यूजर नेम और पासवर्ड का और लॉगिन का। सबसे लास्ट में दिखेगा क्रिएट न्यू अकाउंट का, ठीक। तो आप लोग को नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। यहाँ पर आप लोग को अपना नाम देना है। तो क्या, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ, वो भी आप लोग को पूरा फुल नेम देना है। जैसे कि सोनू कुमार मैं अपना लिखूंगा तो सोनू कुमार लिख दूंगा, एंड आप लोग चाहो तो सोनू या फिर जो भी आपका नाम है तो उसके साथ जो भी आप लिखते हैं वो लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सोनू कुमार, उसके बाद जैसे ही लिख लेते हो अपना फुल नेम, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। गाइस, जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा क्रिएट ए पासवर्ड, यानी कि ऑप्शन आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करना है, ठीक। और गाइस, यहाँ पर आप लोग को एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कम से कम 6 लेटर का आप लोग को जन 6 अंक का पासवर्ड बनाना पड़ता है, या फिर उससे ज्यादा का भी आप लोग बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 6 अंक का पासवर्ड बना लिया हूँ, उसके बाद सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है आप लोग को नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। गाइस, जैसे पासवर्ड सेट करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बोलता है सेव योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो फोन में तो सिंपली सेव पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे तो आपको यहाँ पर अपना जो डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ईयर वाला जो दिखाई दे रहा है सेक्शन, इसको ऊपर नीचे करके आप लोग अपना ईयर चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो मंथ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग मंथ चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट दे दीजिएगा, जो भी आपका डेट होगा डेट ऑफ बर्थ में। सो यहाँ पर दे देने के बाद उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली कैंसिल और सेट का, तो आप लोग सेट पर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों, जैसे ही सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप लोग को यहाँ पर जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप लोग को यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है क्रिएट ए यूजर नेम, यानी कि जो ना आप लोग अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक यूजर नेम बनाना। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग बहुत वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यूजर नेम जो होता है ये काफी यूनिक होना चाहिए आप लोग का। मतलब जितना लोगों ने अभी इंस्टाग्राम यूज कर रहा है और जो जो ने इंस्टाग्राम बना रखा है वो जो नाम रख लिया वो आप लोग नहीं रख सकते, ठीक ना। यानी कि आपका नाम उससे अलग होना चाहिए, यूजर नेम जो होता है वो डिफरेंट रहता है तभी काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया सोनू कुमार, एंड गाइस यहाँ पर मैं कुछ नंबर राज लिख देता हूँ, सोनू कुमार राज। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया, इसका मतलब जो ये यूजर नेम हम लोग नहीं रख सकते, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ सजेस्ट कर देता है इंस्टाग्राम वाले, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ये सब में से कोई सा भी आप लोग रख सकते हो तो उसके बाद सही टिक हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हैं। और गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा रहा है द यूजर नेम सोनू कुमार राज इज नॉट अवेलेबल, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूजर नेम है ये अवेलेबल नहीं है, किसी कोई अब यूज कर रहा है इसको, ठीक ना। तो आप लोग ये नहीं रख सकते, सिंपली आप लोग यहाँ जो भी सजेस्ट कर रहा है इंस्टाग्राम वाले आप लोग कोई भी यहाँ से एक रख लीजिएगा जो आपको सही लगेगा, ठीक ना। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सोनू कुमार राज 795 करके यूजर नेम है, तो मैं इसको जैसे कि रख लिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये वाला यूजर नेम चूज किया तो इसमें अब जो है टिक हो गया, इसका मतलब ये यूजर नेम क्या है अवेलेबल है अभी, ठीक ना। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दो ऑप्शन दिखा देगा कॉन्टैक्ट का करके, ठीक ना। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है अलाउ कर देना। गाइस, जैसे अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बोलता है अब व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, यानी कि जो है आपका मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ पर आप लोग को देना है। गाइस, मोबाइल नंबर आप लोग वही दीजिएगा जिस पे कि ओटीपी आ सके, क्योंकि जब भी आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट नया बनाते हो तो उस पर एक ओटीपी आएगा 6 अंक का, वो देना पड़ता है। जैसे नंबर दे देते हो उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना। गाइस, जैसे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हो तो आप लोग को जो है कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग के फोन पर ओटीपी आता है। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पर आर यू ट्राइंग टू लॉग इन। गाइस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने पहले से मतलब एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखे इसी नंबर से, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको भी देखने को मिल सकता है अगर आप लोग पहले भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए होंगे तो सेम नंबर से। अगर नहीं बनाए होंगे तो ये वाला ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, सिंपली आप लोग को इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा एंटर द कंफर्मेशन कोड, यानी कि जो है आपके फोन पर एक ओटीपी भेजा गया फोन नंबर पर, वो ओटीपी नंबर यहाँ पर सिंपली दे देना।
तो गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ओटीपी को क्या करता हूँ, सिंपली कॉपी कर लेता हूँ या फिर वहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो कंफर्मेशन वाले कोड पे क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया ये नंबर। अब यहाँ पर जो ओटीपी जो भी आया था वो आ गया, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और गाइस उसके बाद आप लोग को आई एग्री करके दिखाई देगा यहाँ पर ब्लू कलर में, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस जैसे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बैक वगैरह मत कीजिएगा नहीं तो सारा प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेता है इसलिए आप लोग को वेट कर लेना है, ठीक। तो दोस्तों इस लोडिंग को जो है कम से कम 5 से 10 सेकंड भी लग सकता है आप लोग को, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना, बैक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो क्या जैसे ये वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन। सो क्या यहाँ से आप लोग जो है अपना प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बोल रहा है एड प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि आप जो है अपना प्रोफाइल जो भी इंस्टाग्राम अकाउंट में रखना चाहते हो वो लगा सकते हो। सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है एड पिक्चर का ऑप्शन और स्किप का, अगर नहीं लगाना तो स्किप कीजिएगा और लगाना है तो एड पिक्चर पर क्लिक कर देना। गाइस जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद अलाउ करना, तो आप लोग डायरेक्ट गैलरी में आ जाओ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अब जो है आप लोग यहाँ से जो भी फोटो लगाना चाहते हो उसको चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैं ये वाला फोटो लगाऊंगा तो इसको सिंपली चूज कर लिया, तो उसके बाद आप लोग यहाँ जो डन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना। गाइस जैसे ही डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपका प्रोफाइल फोटो जो भी होता है इंस्टाग्राम में वो लग जाएगा। आप इसको बाद में कभी चेंज भी कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। और गाइस उसके बाद आप लोग को वेलकम करके यहाँ पर कुछ इंस्टाग्राम की तरफ से दिखाई देगा, तो इसका मतलब जो है आपका प्रोफाइल लगभग बनने को है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, तो सिंपली आप लोग को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा गेट फेसबुक सजेशन का, तो सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ अभी स्किप कर देता हूँ, ठीक। इसको बाद में भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद फिर से स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड आप लोग का प्रोफाइल फोटो दिखाई देने लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, आप लोग किसी दोस्त वगैरह को शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंपली इसको बाद में कर सकते हो इसलिए स्किप पर क्लिक कर देना। गाइस जैसे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका जो भी फ्रेंड वगैरह होगा आपके कॉन्टैक्ट में वो सब यहाँ पर शो करने लग जाता है। अगर आप लोग को किसी को भी फॉलो करना चाहते हो उसको सिंपली यहाँ से फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हो उसे। जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि एक दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर, मैं इसको फॉलो करता हूँ, ठीक ना। तो जैसे ही मैं इसको फॉलो करूंगा तो अब ये जो है फॉलोइंग लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब इसे मैंने फॉलो कर लिया। इसी प्रकार से आप लोग किसी को भी फॉलो कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। और गाइस उसके बाद आप लोग को ऊपर में तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट कंप्लीटली अब बन जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स वगैरह शो कर रहा है जो भी आपके रिलेटिव में हो गए, मतलब जो भी आपके कॉन्टैक्ट में सेट है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ पोस्ट वगैरह भी शो कर रहा है जो जिस लोगों ने अभी तक पोस्ट वगैरह किया, वीडियो वगैरह अपलोड किया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो यहाँ पर सब शो कर रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये प्रोफाइल होता है, यानी कि आप लोग जो अपना प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हो। एंड गाइस पोस्ट वगैरह फॉलोवर्स यहाँ पर फॉलोइंग दिखाई दे रहा है 1, यानी कि मैंने अभी जस्ट एक को फॉलो किया था इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। जब आप लोग फोटो वगैरह पोस्ट करोगे तो ये सब नंबर बनने लगता है। उसके बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग किसी फ्रेंड को सर्च कर सकते हो, और प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो रील वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग जो यहाँ से कोई से भी रील वीडियो देख सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ ये शॉर्ट्स की तरह होता है जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है। एंड गाइस और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज है, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग जो यहाँ से अपना मतलब स्टोरी वगैरह लगा सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप में आप लोग लगाते हो कोई भी फोटो वगैरह या फिर वीडियो लगा सकते हो। तो दोस्तों आप लोग जो कुछ इस प्रकार से इंस्टाग्राम के ऊपर अपना नया अकाउंट बना सकते हो। आशा करता हूं आप लोग वीडियो काफी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।